हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास इलेवेंथ का हिंदी कोर ए सब्जेक्ट का कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ये बहुत लोगों का डिमांड भी था हिंदी का, इसलिए मैं हिंदी का आज एक वीडियो बनाया हूँ। यहाँ हम लोग टोटल जो है 45 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों बता दूं, आप लोगों का जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा टोटल 40 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और 40 मार्क का एग्जाम होगा, ठीक है। ये आप लोगों को मैं पहले वीडियो में बता दिया हूँ। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। यहाँ देखेंगे हम लोग टोटल 45 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और सेशन को शुरू करने से पहले बता दूं, जिन दोस्तों ने भी इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन के साथ, ताकि मैं जो भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम में इस तरह का एक गद्यांश आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस गद्यांश को आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, और उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा आप लोगों को उसका आंसर देना है। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दें। इस गद्यांश से एक क्वेश्चन बना है, देखिए, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दें। ऑप्शन में दिया गया है शिक्षा का उद्देश्य, देश प्रेम, नदी और पहाड़, परीक्षा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षा का उद्देश्य। देखिए, मैं आप लोग को पैसेज में दिखा रहा हूँ, ये देखिए, शिक्षा सिर्फ 21 साल तक, 21 साल की उम्र तक नहीं चलती, बल्कि यह तो जीवन पर्यंत जारी रहती है। इसको पढ़ना है, इस शिक्षा के उद्देश्य से लिखा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षा कब तक जारी रहती है। शिक्षा कब तक जारी रहती है दोस्तों, इस गद्यांश में आप लोग को बताया गया है कि 16 साल तक, या 21 साल तक, या जीवन पर्यंत, या बचपन तक। कौन सा होगा सही आंसर दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा जीवन पर्यंत, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए फर्स्ट लाइन में देखिए क्या बोला गया है, शिक्षा सिर्फ 21 साल की उम्र तक नहीं चलती, बल्कि यह तो जीवन पर्यंत जारी रहती है, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जीवन की तुलना किससे की गई है। जीवन की तुलना यहाँ किससे की गई है दोस्तों? नदी से, ठीक है। यहाँ देखिए, ये देखिए, जीवन किसी नदी या नदी सा होता है जो कभी स्थिर नहीं होता, सदैव गतिशील रहता है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है, जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से सही आंसर हो जाएगा सृजनशील बनाना, ठीक है, सृजनशील बनाना है। देखिए, मैं आप लोग को गद्यांश में दिखा रहा हूं, ये देखिए, आपका मन सृजनशील हो, ताकि आप समाज के अनुकूल होने में ही न लगे रहें, बल्कि उसे तोड़कर पूर्णतः नए का सृजन करें, ठीक है। देखिए, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जीवंत शब्द का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन में है जीना, जीवन से भरा होना, जीना सीखना, शून्य हो जाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, जीवन से भरा होना। देखिए दोस्तों, इस तरह का एक काव्यांश भी एग्जाम में रह सकता है, ठीक है। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक का उत्तर दीजिए। इस तरह का काव्यांश दिया रहेगा, ठीक है। इस काव्यांश को आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, और उसका जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आंसर देना है, ठीक है। देखिए, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न सबका सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो, न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के तेजस्वी छिन्न समर हो, जीत या कि खुद मर के, ठीक है। इस तरह का काव्यांश दिया रहेगा, और यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा दिखने को मिलेगा, शांति कब संभव है। ऑप्शन में दिया गया है सुख भाग जब सम हो, सुख भाग सम ना हो, किसी को अधिक मिल जाए, किसी को कम मिलने पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुख भाग जब सम हो। देखिए, काव्यांश में आप लोगों को मिलेगा, अच्छे से पढ़ना है, सुख भाग ना सबका सम हो। नेक्स्ट देखिए, बोला गया है न्यायोचित का क्या अर्थ है। दोस्तों, न्यायोचित का क्या अर्थ है, न्याय के अनुसार उचित, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तेजस्वी की युद्ध में क्या भूमिका होती है। दोस्तों, तेजस्वी की युद्ध में समर जीतना या आत्मोत्सर्ग करने की, ठीक है,
भूमिका होती है। नेक्स्ट देखिए, शांति का विलोम शब्द क्या है? शांति का विलोम शब्द क्या होगा? शांति का विलोम हो जाएगा अशांति, ठीक है, उल्टा शब्द, विलोम शब्द। नेक्स्ट देखिए, समर शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? समर, समर क्या होता है? समर मतलब होता है युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निबंध का अर्थ क्या होता है? निबंध का अर्थ होता है बांधना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माता के नाम पत्र पत्र लेखन के किस भेद के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनौपचारिक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? ऑप्शन देखिए, पत्रकार, संपादक, कवि, साहित्यकार। तो संपादकीय बोला गया है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? संपादक होगा। नेक्स्ट देखिए, जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है? जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है? जो भी ऑप्शन में दिया गया, इनमें से सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का रेडियो, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, समाचार लेखन की शैली क्या कहलाती है? समाचार लेखन की शैली क्या कहलाती है? उल्टा पिरामिड शैली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं? समाचार लेखन में 6 ककार होते हैं, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, आलेख डैश का ही एक रूप है। आलेख निबंध का ही एक रूप होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रिंट माध्यम। दोस्तों वीडियो को कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने भी इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी दबाइए, ताकि मैं जो भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके, ठीक है। दोस्तों मैं प्लेलिस्ट में क्लास 11th का बहुत सारा वीडियो अपलोड किया हूँ, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। और जो भी सब्जेक्ट का आप लोगों का जरूरत है, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आप लोगों को उसका वीडियो बना के बहुत जल्द ही दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जिज्ञासा, ठीक है। मूल तत्व क्या होता है? जिज्ञासा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा और भी एक काव्यांश आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। काव्यांश को अच्छे से देख लेना, ठीक है, काव्यांश को पढ़ना है और उससे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर देना है। देखिए, अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसमें दारुण, दैन्य दुख का निरव रोदन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से उद्धृत है? तो यहाँ है वे आंखें, इसका सही आंसर हो जाएगा वे आंखें, ठीक है। देखिए आंखों से ही है, आंखों से डरता है मन। नेक्स्ट देखिए, इन पंक्तियों के कवि कौन है? इन पंक्तियों के कवि कौन है? पंक्तियों के कवि जो है सुमित्रा नंदन पंत है, ठीक है। दोस्तों आपके किताब में जितने भी काव्यांश है, सभी काव्यांश को आप लोग को पढ़ लेना है और याद रखना है कि उसके मतलब किस पाठ से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है, और कवि के नाम कौन, कवि के नाम क्या है, ठीक है, ये सभी याद कर लेना, क्योंकि यहाँ वहां से क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कवि ने किसान की आंखों की तुलना किससे की है? अंधेरी गुफा से की है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा अंधेरी गुफा, ऑप्शन ये। नेक्स्ट देखिए, कबीरदास ने किसका खंडन क्या है? कबीरदास ने किसका खंडन क्या है? ऑप्शन में दिया गया बाह्य आडंबर और रूढ़िवाद का, शासन पक्ष का, लोगों के विचारों का और संवेदनाओं का। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, बाह्य आडंबर और रूढ़िवाद का। नेक्स्ट देखिए, मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया है? मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया है?
जो ऑप्शन दिया गया इनमें से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्णा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, रत्नाकर ने किसकी सवारी लाने के लिए स्वर्ण सड़क तैयार कर दी है। जो ऑप्शन दिया गया इनमें से सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मी, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वे आंखें कविता हिंदी के किस काव्य धारा से प्रभावित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा प्रगतिवाद। नेक्स्ट देखिए, कवि अवतार सिंह पास के अनुसार सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी है। सबसे खतरनाक स्थिति हो जाएगा सपनों का मर जाना, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, दुष्यंत कुमार ने हिंदी कविता में उर्दू की किस विधा का प्रयोग किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गजल, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चन आंसर बता लो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चंद्र विहंस देता है पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है, मानवीकरण। नेक्स्ट देखिए, फिर आ गया गद्यांश, ठीक है, फिर आ गया गद्यांश। गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को, एग्जाम में जो भी गद्यांश आएगा अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है, भारत माता, ठीक है, भारत माता। दरअसल यही करोड़ों लोग हैं और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय का, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, भारत माता की जय का क्या अर्थ है। यहाँ देश के करोड़ों लोगों की जय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किनकी आंखों में चमक आ जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गांव के लोगों की, ठीक है, गद्यांश में लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। देख पा रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, यही करोड़ लोग हैं तो गांवों से ही ये मतलब गांव से संबंध रखता है। यहाँ पर बोला गया भारत माँ, दरअसल यही करोड़ों लोग हैं और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय का। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश को एक तरह से तुम भी भारत माता हो, और जैसे जैसे विचार उनके मन में बैठती उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला गया था, किनकी आंखों में चमक आ जाती है। ऑप्शन में दिया गया गांवों के लोगों की, सैनिकों की, मजदूरों की, व्यापारियों की। व्यापारियों का बात नहीं किया गया है, सैनिकों का भी बात नहीं किया गया, मजदूरों का भी बात नहीं किया गया, इसमें लोगों का बात किया गया है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, मियाँ नसरुद्दीन कौन थे, मियाँ नसरुद्दीन कौन थे, नानभाई थे। नेक्स्ट देखिए, पथेर पंचाली फिल्म के निर्माण में सत्यजीत राय को सबसे अधिक किस कठिनाई का सामना करना पड़ा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्थिक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विदाई संभाषण पाठ में किसकी विदाई की चर्चा की गई है। इसमें लॉर्ड कर्जन की चर्चा की गई है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, गलता लोहा के लेखक कौन है, गलता लेखक लोहा के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेखर जोशी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्पीति में किस धर्म का प्रभाव अत्यधिक दिखाई देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बौद्ध धर्म। नेक्स्ट देखिए, जामुन का पेड़ फलदार पेड़ है यह कहकर कृषि विभाग ने फाइल किस विभाग में भेज दी। कहाँ भेज दी, हॉर्टिकल्चर में भेज दी, ठीक है, किस विभाग में, हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आत्मा का ताप सैयद हैदर राजा राजा किस विधा की रचना है। ये आत्मकथा से है, ठीक है, कहां से है, आत्मकथा। नेक्स्ट देखिए, कुम्हार गंधर्व के अनुसार लता मंगेशकर के संगीत की लोकप्रियता का क्या कारण है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गानपन, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार के संगीत
शास्त्रीय नियमों से पूर्ण रूप से बंधे होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रपट के गीत। नेक्स्ट देखिए क्या है, राजस्थान की रजत बूंदें पाठ में किस समस्या की ओर संकेत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पानी की समस्या। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में कुई बनाने वाली को किस नाम से पुकारते हैं? किस नाम से पुकारते हैं? चेलबांजी कहकर पुकारते हैं। देखिए अंतिम क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसके घर कार्य करने पर बेबी हल्दार के जीवन में अनेक परिवर्तन आ गए? इसका सही आंसर हो जाएगा तातुस। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है।